हेलो बच्चा लोगो, कैसे हो? बढ़िया। चलिए भाई, माय नेम इज़ अलकेश सर, अलकेश सर। हाँ, आराध्या क्लासेस, CTM, अहमदाबाद। स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम का हम चैप्टर 2 का मैथ्स का पार्ट 16 की बात करेंगे। पार्ट 16 तगड़ा पार्ट है, ये एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब बुक में इसके सम्स मेरे हिसाब से नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा सम्स हैं तो देख लेते हैं, आपके शायद काम में आ जाए। बोर्ड में टफ, मान लो भी टफ पेपर निकला, वो टफ नहीं होता एक्चुअली में, सारे कॉन्सेप्ट आपको मतलब नहीं आते हैं तो आपको टफ लगता है, ठीक है? चलो, उसमें से कॉन्सेप्ट ये है, वॉट मस्ट बी एडेड टू पॉलिनोमियल दिस, वॉट एवर द पॉलिनोमियल इज दिस, इस पॉलिनोमियल में मैं क्या ऐड करूं सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस। मतलब कि मेरे ये पॉलिनोमियल को इससे एक्सैक्टली डिविजिबल होना है, उसके लिए मैं इस पॉलिनोमियल में क्या ऐड करूं। नहीं समझ में आया सर, आप क्या बोल रहे हो? तो इसलिए तो मैं आया हूं, है ना? तो यस, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, आराध्या क्लासेस यूट्यूब पे सर्च मारिए, आराध्या क्लासेस तुरंत आ जाएगा, अटैक बटन दबाइए, सब्सक्राइब हो गया, सारे अच्छे अच्छे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। लेट्स स्टार्ट दोस्तों, ये सब जाने दो, क्या है ऐड करना वेड करना, करते रहेंगे, पहले मेरा मेन फोकस पकड़, इसको इससे डिवाइड करना है, पर एग्जैक्ट डिवाइड होना चाहिए। एग्जैक्ट डिवाइड का मतलब क्या मालूम है? तेरा जो रिमाइंडर है ना वो ज़ीरो आना चाहिए, तेरा रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। तो ज़रा ट्राई तो कर पहले, बाद की बात बाद में करेंगे रे। ये 2x + 3, चलो ठीक है, इसको इससे डिवाइड तो कर। आंसर क्या आ रहा है रिमाइंडर का? एग्जैक्टली डिविजिबल बोला है ना, मतलब तेरा रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए तो ही एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। देखते क्या होता है, 2x³ दिया, हाँ चाहिए 2x दिया, 2 गॉन x², एक्स और x³ गॉन, मतलब x² बचा, x² इंटू 2x, 2x³, x² इंटू 3, 3x², माइनस माइनस टक 6x², और ये -5x, 6x² चाहिए तुझे और रिक्वायरमेंट है और 2x दिया है, 3 बचा और x² गया, मतलब 3x, तो 3x इंटू 2x, 6x², थोड़ा स्पीड में ही करूँगा दोस्तों, बहुत बहुत बातें हो चुकी हैं सारी अपनी, है ना, सारी की सारी बातें हो चुकी हैं। -4 5x, -9x, -14x, ये -15 नीचे उतारूँगा, -14x रिक्वायरमेंट है, दिया है 2x, x कौन 2 7 14, तो -7 बचेगा, -7 इंटू 2x, -14x, -21, सब बातें हो चुकी हैं दोस्तों, थोड़ा स्पीड बढ़ाऊंगा मैं, -15 और +21 6। ओ यार सर, रिमाइंडर तो तेरा 6 आया, लोचा हो गया। एक्जैक्टली डिविजिबल के लिए तो क्या होना चाहिए था, अभी मैंने बात बोली रिमाइंडर ज़ीरो होना चाहिए, तो मतलब एक्जैक्टली डिविजिबल हो उसके लिए ही उसने बोला है रे दोस्त, वॉट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, तो क्या ऐड करूँ इसमें? तो देख सर, रिमाइंडर देख ले एक बार, रिमाइंडर 6 है और मुझे रिमाइंडर 0 करना है, तो रिमाइंडर 6 है उसमें क्या ऐड करूँ, वॉट मस्ट बी एडेड, वॉट शुड बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, ये जो रिमाइंडर 6 है उसमें क्या ऐड करूँ मैं? सर -6 ऐड कर दो, -6 ऐड कर दो, तुम्हारा आंसर देखो क्या आएगा, 6 - 6 0 आ गया, बोल रिमाइंडर 0 हो गया कि नहीं हो गया? तो क्या ऐड करने से रिमाइंडर 0 होगा? यस, -6 शुड बी और मस्ट बी एडेड टू पॉलिनोमियल 2x³ +9x² -5x -15, फिर ऐसे ही आगे, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2x + 3। समझ रहे हैं तू? एक काम कर, नहीं समझ में आया, एग्जैक्टली डिविजिबल हो इससे, उसके लिए एग्जैक्टली डिविजिबल किसको बोलते हैं कि रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, पर तो मैंने देखा पूरा सम किया तो रिमाइंडर तो 6 बचा है, तो भी तो उसने क्वेश्चन किया है दोस्त कि अब मैं क्या ऐड करूं पॉलिनोमियल में जिससे ये रिमाइंडर 0 हो जाए, मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए, मतलब कि रिमाइंडर 0 हो जाए, तो 6 में मैं क्या ऐड करूं, ऐड का साइन है ये,
क्या ऐड करूँ, माइनस सिक्स ऐड करूँगा, तो सिक्स माइनस सिक्स जीरो हो गया, तो यस माइनस सिक्स मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल। अब तो इसमें माइनस सिक्स ऐड करके देख, टू एक्स क्यूब प्लस नाइन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फिफ्टीन तो है, माइनस सिक्स ऐड कर लिया अंदर, तो माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स माइनस ट्वेंटी वन रख के देख इसकी जगह पे, जा चैलेंज मारता हूँ और फिर इससे डिवाइड कर, तेरा आंसर जीरो नहीं आया तो बोलना, समझ रहा बच्चा, यही तो है बातें। चल दूसरा सम लेता हूँ और तुझे समझ में आएगा, एक दो मिनट के लिए रुक जा। चल भाई अब व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, और एक्स प्लस थ्री से डिवाइड करना है, एक्स स्क्वायर बाय एक्स, कुछ नहीं बोलूँगा, बोलूँ क्या, हाँ एक्स स्क्वायर रिक्वायरमेंट है, एक्स चाहिए, एक्स बचा, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, पार्ट फोर्टीन देख लेना, ये सब तेरे को बहुत ईजी लगेगा, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स एक्स प्लस टू। चलिए भैया एक्स रिक्वायरमेंट है, एक्स दिया हुआ है, वन बचा प्लस वन, वन इंटू एक्स एक्स, वन इंटू थ्री थ्री, माइनस माइनस कौन, माइनस वन, बोल तेरा रिमाइंडर तो माइनस वन आया है। एक्जैक्टली डिविजिबल के लिए क्या चाहिए रिमाइंडर, जीरो चाहिए, तो व्हाट व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस पॉलिनोमियल, माइनस वन में अब क्या ऐड करूँ मैं, सर वन ऐड कर दीजिए, माइनस वन में क्या ऐड करूँ, वन ऐड करेंगे तो रिमाइंडर ज़ीरो बन जाएगा, तो व्हाट शुड बी एडेड, डन है, तो यस वन शुड बी एडेड टू गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू, पूरा लिख देने का क्वेश्चन, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एक्सैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस थ्री। कितना ईजी है, कितना ईजी है दोस्त, समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन तेरे को अपने आप देता हूँ, अपने आप करना, एक्स स्क्वायर प्लस एट एक्स प्लस सेवनटीन को एक्स प्लस थ्री से डिवाइड करने, तो चलना हाँ एक्स प्लस फाइव से डिवाइड करने के लिए, हाँ एक्जैक्टली डिविजिबल करने के लिए, ये ऊपर वाले सम देख लेना, मैं लिखा नहीं है, बोल क्या ऐड करना पड़ेगा, व्हाट मस्ट बी एडेड, चलिए लिखिए, तो समझ रहा है ना व्हाट मस्ट बी एडेड का मतलब, इस पॉलिनोमियल में अब तू एक ऐड कर, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू तो था, एक ऐड कर थ्री हो गया, अब उसको यहाँ पे लिख और इससे डिवाइड कर, तेरा आंसर जीरो नहीं आया तो मुझे बोलना, ये बात हो रही है, समझ में आ रहा है। चल एक क्वेश्चन और, एक था मैं पेज ही चेंज कर देता हूँ, रुक जा दो मिनट, चलेगा इतने में आ जाएगा ऐसे तो, वॉट मस्ट बी एडेड नहीं सब्ट्रैक्टेड टू पॉलीनोमियल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस सेवनटीन, सो दैट द रिजल्टिंग पॉलीनोमियल इज एक्सैक्टली डिविजिबल बाय एक्स प्लस थ्री। ये मेरा क्वेश्चन है आज का, एक्स प्लस थ्री से एक्जैक्टली डिविजिबल हो उसके लिए क्या सब्ट्रैक्ट करूँगा, सब्ट्रैक्ट करूँगा भैया, तो देख आराम से, कहीं पे लोचा नहीं होना चाहिए, चल ठीक, तो तेरे हिसाब से देख लेना, एक्स क्यूब एक्स गॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर कट 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 कट, फोर एक्स प्लस सेवनटीन नीचे लाएगा, फोर एक्स रिक्वायरमेंट है और दिया है एक्स, कट फोर चाहिए, फोर फोर एक्स प्लस ट्वेल्व, फोर एक्स प्लस ट्वेल्व माइनस माइनस कट कट फाइव। अब बोल पाँच आ गया तेरा रिमाइंडर, आर ऑफ एक्स आ गया फाइव, उसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करेगा, पाँच है उसमें से क्या माइनस करेगा, सर पाँच माइनस कर दूंगा, अरे पाँच दिया है उसमें से पाँच ही तो माइनस करूंगा, तब जाके क्या आएगा रिमाइंडर तेरा, जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, है ना, तो फाइव मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू पॉलीनोमियल एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स
स्क्वायर प्लस 4x प्लस 70, फिर आगे लिख देना सो दैट द रिजल्टिंग पॉलिनोमियल इज एक्जैक्टली डिविजिबल बाय x प्लस 3। बोल डन कि नहीं। माय नेम इज अलके सर। इसके सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट है तगड़े वाले, इसके प्रैक्टिस पेपर भी रखूँगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बोल कोई तकलीफ हो तो मुझे बोल, ठीक। दोस्त समझो आप बात को कि ये जो पार्ट्स बन रहे हैं ना, एक एक पार्ट इतना दिल से बनाया हुआ है, आपके आपको ध्यान में रखें, नेशनल लेवल के लिए ध्यान में रख के आपको, कि आपको तगड़े से तगड़ा है। और मेरे प्रैक्टिस पेपर आपको कैसे लगते हैं उसका कमेंट लिखिएगा ज़रा। प्रैक्टिस पेपर मैं भेजता हूँ, सारे पार्ट्स के भेजे हैं, तो प्रैक्टिस पेपर से आपको फ़ायदा क्या हो रहा है प्लीज़ ये मैं कमेंट बॉक्स में चाहूँगा सबसे, कि वॉट इज़ द एक्जैक्टली बेनिफिट। एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, एक्जैक्टली डिविजिबल नहीं रहे, एक्जैक्टली बेनिफिट, एक्सेट बेनिफिट ऑफ DPP डेली प्रैक्टिस पेपर, उसका मुझे प्लीज़ लिख के भेजना। आपकी जो फीलिंग हो वो लिख के भेजना कमेंट में, मैं बिल्कुल राह देखूंगा आपकी कमेंट की, ठीक है ना। चल तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, और ये जो सम्स करवा है उसके प्रैक्टिस पेपर में मैं उसके प्रैक्टिस पेपर भेजूंगा, टेंशन नहीं लेना। चल थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।